गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स समस्त पिला माने आज हम पंचम श्रेणी पर आम भाषा आम साहित्य बहर चैप्टर 10 को पढ़ेगा। चैप्टर नाटी होची तुमरी धियाने दीपाली जाले। एही चैप्टर टी गोटे कविता यार कवि होचंती खीरोज चंद्र पोथाल। मो पिला माने तुमको ए कवि विषय सम्यक सूचना प्रदान करूची। कवि जन्म 1948 मसीहा जून 30 तारीख एवं से देह त्याग कर 2012 जनवरी 15 तारीख रे केते गुड़ी कृति विषय तुम मान को कहूँ से लिखी अकल मकल टकल टिया साबास नानी मो कथा मो कविता मन हुए मोर हेबा कुमीन गप गोलाप से मत साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई आम मान प्रसिद्ध भजन गोटे अच्छे तुमने जानी ओठ भग खिया मोचका आखिया उठ हे पहाड़ भांग यह द्वारा रचित ये तो कवि परिचय। तापर मु तुम मान को विषयवाड़ी को आणुची। आमर ये पाठर नाटी हूँ तुमने ध्यान दीपाड़ी जाए यार अर्थ हूँ तुमको ध्यान करे मो दीप दीपाड़ी मान दीप जाए। एठारे कवि महात्मा गांधी को लक्ष्य करी महात्मा गांधी को निजर मानस पटे रखिकी कविता टी प्रस्तुत करछंती। सहित बही को देख हे परम पिता जातिर देवता आज पितृश्राद्ध बाढ़ला बेले धरी तुम नाम करी परनाम तुमरे ध्याने दीपाड़ी जाले तुमे जाणीथिल अहिंसा मशाल देश ओ दशर मुक्ति पाई अज्ञान अंधार करिदेल दूर ए निद्रित जाति उठिला छे। हे परम पिता जातिर देवता तुमे हुच परम पिता श्रेष्ठ पिता और जातिर देवता ए समग्र जाति होचे आमे कण आमे समस्ते भारत वर्ष रे जन्म ग्रहण करिचे पिला माने आम जाति होचे आमे भारतीय ए जातिर देवता तुमे हुच जातिर देवता। जदि तुम मान प्रथम प्रश्न करी आम क्या जातिर पिता बोली कहे तुमने मत निश्चिंत उत्तर दब आम जातिर पिता हूँ महात्मा गांधी। तेणु से ध्यान करविता लिखी कवि अमर से कहते आज पितृश्राद्ध बाढ़ला बेले मुझे आज मोर पितृश्राद्ध दौची से मो ध्यान किए आ पितृ पुरुष सहित अमर तुम्हें हे महात्मा गांधी तुम्हें ध्यान आसुच कारण सी हूं समग्र जातिर ए भारतीय जातिर हूं से पिता से जनक धरी तुम नाम करी परनाम तुमरे ध्यान दीपाड़ी जाए तुम नाम धरी तुम नाम मु तुम नाम को मन मन स्मरण करुची करी परनाम अर्थात प्रणाम करुची नमस्कार करुची तुमरी ध्यान तुमको ध्यान रखे मु दीपाड़ी दीपटी जाणुची। हाँ पिला माने आमे आमर पितृ श्राद्ध करिथाउ जेमिति आमे तुमने जानिच महालय थाए जोटी महाआलय हुए समस्त पितृपुरुष को आमे डाकी थाउ से दिन आमे पितृपुरुष को श्राद्ध बाढ़ी थाउ। श्राद्धर अर्थ गोटे पिला माने कहुची श्राद्धर अर्थ होची जहां आमे श्रद्धार सहित अर्पण करिथाउ ता होची श्राद्ध। तेणु एटी कवि कहते मोर पितृश्राद्ध करते तुम्हें मोर मानस पटे आसी जाऊ हे परम पिता हे महात्मा गांधी तुम्हें चली अहिंसा मशाल तुम्हें कहीं आज मन मन पड़ुच कौन समस्त आज महात्मा गांधी की मन पकाच पे तुम्हें चली अहिंसा मशाल अहिंसा रूपक मशाल मशाल जिते आम आजिकाल सीना तुमने बिजुली बत्ती अच्छी जो करेन्ट पड़ुचे आम इनवर्टर यूज करुचे जिते बड़े नाला से लोक मैंने कौन करते जुआ बाहर को जात्रा करते बहुत लोग मशाल जलुले मशाल केमती ना गोटे बाड़ी थी बाड़ी भितर गोटे सूता गुड़े देखे ना कपड़ा गुड़े कि बांधि थे किरोसिन तेल देखिए जलुवे से मशाल ना सेम मशाल तुम्हें से मशाल कहीं जल जाए बहुत आलोक हम से मशाला तुम्हें जाली अहिंसा मशाल अहिंसा रूपक तुम्हें मशाल जलुल जो हिंसा नाला से रूपक तुम्हें मशाल जाली कौन पाई
ना देश आउ दशर मुक्ति पाई तुम जान पे आम देश को इंग्रेज माने पाखापाखि 190 रु 200 वर्ष शासन करते आसते से आमर मोगल सम्राट जहांगीर समय आसते देश को बेपार वाणिज्य करने कि बेपार वाणिज्य करू करू से आम मान राज कले कारण इंग्रेज माने भारी चतुर जाति से आमर दुर्बलतार सरलतार सुजोग नहीं आम मान शासन करते आमे मान जाते शासित से शासक से शासक इतने भाव शासन करतेपेषित हो जाते से बड़े स्वर उत्तोलन करते महात्मा गांधी अनेक देश संग्रामी स्वर उत्तोलन करते कि बहुत आम संग्रामी मान जो मान हिंसा को अपने कि महात्मा गांधी अहिंसा को निजर अस्त्र आयुद्ध करते कवि कहते तुम्हें जो अहिंसा मशाल जलीच हे महात्मा गांधी ये देश मुक्ति अज्ञान अंधार कर देल दूर जमी मशाल जाले आम आलोक पाचे अंधार आम दूर हो जामी तुम्हें अज्ञान रूपक अंधार को तुम्हें दूर कर आउ ये निदृत जाति उठिला चीं ये निदृत जाति आम समस्त भारतीय आम समस्त सोई पड़ू आम स्वर उत्तोलन करू किंतु आज तुम पाई आम इंग्रेज मानक विरुद्ध स्वर उत्तोलन कलु आम सत्य कौन जानलु सत्य को निजर पाथर कलु अस्त्र कलु अहिंसा को अस्त्र आयुध कलु ठीक अच्छे पे परवर्ती स्टाजा पुणी आस तुमरी शिक्षा तुमरी दीक्षा तुम आदर्श करि संबल गढ़ी उठे देश लभी पौरुष एड़ी मोह माया दुख जंजाल हिमाचल के शत्रु बाजी डाके हिंसार खड्ग हाथ धरी तथापि ये जाति करी तुमरी मंत्र को भजन करी तुमरी शिक्षा तुम आमको कौन शिक्षा दिल अहिंसा शांति ये सब जिन तुम आमको शिक्षा दिल तुमरी दीक्षा को मध्य आम ग्रहण कलु तुमरी आदर्श तुम आदर्श हूँ सत्य अहिंसा शांति ये तीनो जिन सब महात्मा गांधी आदर्श यहां संबल मान संपत्ति मोर श्रेष्ठ संपत्ति समस्ते भारतीय मान से निजर संबल कले निजर संपत्ति कले गढ़ी उठे देश लोभी पौरुष एड़ी मोह माय दुख जंजाल आज तो महात्मा गांधी नहांती कारण पी मैंने पुण तुम कहीदी महात्मा गांधी जन्म दिला अठरश मसीहा अक्टोबर 2 तारीख एवं से देह त्याग कर 1948 मसीहा जनवरी 30 तारीख से कौन कर प्रत्येक भारतीय जाति आदर्श को आदर्श कौन थिला ना सत्य अहिंसा शांति ए आदर्श को से संबल करपत्ति करबल कर गढ़ी उठे देश लभी पौरुष देश जो पुरुष पुरुष मान तुम समस्त जान पुरुष पाखे बहुत बड़ थाए से वीर जो इंग्रेज मान आम शासन करते आम समस्ते का पुरुष हो जाते आम पाखे से शौर्य ना कि आमको महात्मा गांधी ये सब जिन शिखे इंग्रेज मान विताड़ित करते आमको स्वाधीनता प्रदान करते आम भारतीय जाति पुणी जाग्रत हो गले आमर वीरत्व को आम फेरी पाइले तेणु आम आम पौरुष को निज हाथ में रखी पारे गढ़ी उठे देश लभी पौरुष एड़ी मोह माय दुख जंजाल से कौन एड़ी मान पचघुंचा मान आड़ी कौन लोभ मोह मोह अर्थ लोभ माया दुख जंजाल कौन से जिन को से शुणी तार लोभ को देखनी तार माया को देखनी दुख जंजाल जमी आम समस्त सांसारिक प्राणी आम घर भाई समस्त जड़ित थाए से सुख थाए दुख थाए जंजाल थाए बहुत व्यस्त से रहे से सब जिनस को आज एड़े कौन ना हिमाचल के शत्रु आज डाके हिंसार खड़ग हाथ में धरी तुम मैंने जान एक्चुअली कवि कौन कर 1962 मसीह जो भारत को चीन आक्रमण करता
ତାକୁ ସେ ପାଥେୟ କରିକି ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କବିତାଟିକି ହିମାଚଳ ବୁକେ। ହିମାଚଳ ଆମର ହଉଛି ଆମର ଭାରତର ବା ଭାରତ ବର୍ଷର ହିମାଚଳ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ତାକୁ ଲାଗିଛି କିଏ ପିଲା ମାନେ ଆମର ଚାଇନା। ହିମାଚଳ ବୁକେ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଡାକେ ହିଂସାର ଖଡ୍ଗ ହାତରେ ଧରି, ସେତେବେଳେ ହିଂସା ଚାଇନା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଏ ଜାତି କରି ନାହିଁ ଗୀତି ତୁମରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରି, ତଥାପି ଏ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏ ଜାତି ମାନେ ଏ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ବୀର ସୈନିକ ମାନେ ଡରି ନାହାନ୍ତି ଚାଇନାକୁ, କାରଣ ଚାଇନାର ଶକ୍ତି ଆମଠୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେମାନେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେଣି, ଭାରତୀୟ ସେନା ବାହିନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେଣି। ତଥାପି ଏ ଜାତି ଏ ଭାରତୀୟ ଭୀତି ମାନେ ଡରି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଡରିନି ନା ତୁମରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରି, ତୁମର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, କାରଣ ତୁମେ ଥିଲ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଶାନ୍ତିର ଦେବଦୂତ ଓ ଜାତିର ଜନକ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତିକୁ ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରିକି ଭାରତୀୟମାନେ ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବଳ ସେ ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ପୌରୁଷ ସେମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଇନାକୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋର ପାରାଗ୍ରାଫ ଆସୁଛି, ସରି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ତ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମୁକ୍ତି, ତୁମେ ତ ଅହିଂସାର ଅବତାର, ତୁମେ ତ ଶିଖାଇ ଯାଇଛ ଦେଖାଇ ଦେଶ ଓ ଦଶର ମୁକତି ଦ୍ୱାର। ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଏ ଜାତି ଦୂରେ ଥାଇ ଦିଅ ଆଶିଷ ଢାଳି, ଏ ଦେଶ ସନ୍ତାନ ଗାଉ ଜୟଗାନ ବୈରୀର ମୁଖେ ଲଗାଇ କାଳି। ତୁମେ ତ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମୁକ୍ତି, ତୁମେ ତ ଅହିଂସାର ଅବତାର, ହେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର, ତୁମେ ତ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ତ ମୁକ୍ତି, ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ପଥିକ, ତୁମେ ମୁକ୍ତିର ପଥିକ, ତୁମେ ତ ଅହିଂସାର ଅବତାର, ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହଉଛ ଅହିଂସାର ପୂଜକ, ଅହିଂସାର ଅବତାର, ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ତୁମେ ହଉଛ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ତୁମେ ତ ଶିଖାଇ ଯାଇଛ ଦେଖାଇ ଦେଶ ଓ ଦଶର ମୁକତି ଦ୍ୱାର, ତୁମେ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇଛ, ତୁମେ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛ ଯେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ, ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଇଂରେଜ ମାନେ କେତେ ବଳଶାଳୀ, କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଥିଲେ, ସେମାନେ 200 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଅହିଂସା ନୀତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୁମେ ପଢିଥିବ ସବୁ ପାଠରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପଥକୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ତୁମେ ତ ଶିଖାଇ ଯାଇଛ ଦେଖାଇ ଦେଶ ଓ ଦଶର ଭୂକତି ଦ୍ୱାର, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଏ ଜାତି ଦୂରେ ଥାଇ ଦିଅ ଆଶିଷ ଢାଳି, ହେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ଜାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ତୁମ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି, ବିନତି କରୁଛି, କିଛି ମାଗୁଛି। କଣ? ତୁମେ ତ ଆଜି ଏ ଧରାରେ ନାହ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହ, ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହ, କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ, ତୁମେ ଆଜି ନାହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ଦୂରେ ଥାଇ ଆଶିଷ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅ କାହା ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ଦେଶ ସନ୍ତାନ ଗାଉ ଜୟଗାନ ବୈରୀର ମୁଖେ ଲଗାଇ କାଳି। ଏ ଦେଶ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାରତ ବର୍ଷ ତତ୍ ସହିତ ଏ ଭାରତୀୟ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗାଉ ଜୟଗାନ, ସେମାନେ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଜୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ନା ବୈରୀର ମୁଖେ ଲଗାଇ କାଳି, ବୈରୀ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେ ଗୁଡିଏ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଆଁମାର, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା, ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ। ଏଠି ତ କବି ମେନସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ, ହିମାଚଳ କଥା ରହୁଛି ଚାଇନା, ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଆମର, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମେ କାଳି ଲଗେଇବା, ଯୋଉମାନେ ଶତ୍ରୁ ଆମ କାଳି ମାନେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦବା, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଆଗେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ହିଂସା କରୁଛି, ଆମର ଶତ୍ରୁ ହିଂସାର ଖଡ୍ଗ ଧରିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି,
से प्रथम हिंसा करुचे आम किंतु अहिंसार पथ को अहिंसा रूपक अस्त्र को धरीचे धरिकी आम शत्रु को मुकाबला करुचे अहिंसा अस्त्र आमको किए देखते ना महात्मा गांधी आमको शिखे महात्मा गांधी आमको से अहिंसा सत्यर अस्त्र आमको प्रदान कर धरी आम बैरी अर्थ शत्रु मुखरे गाड़ी लगे खराब कम कले तुमने जानव ना देखी जी खराब कम कले मुहरे कौन करती गाड़ी लगे दिखती कला तेनाली बैरी अर्थ शत्रु मुहरे कला लगे कि आम विजय को लाभ करवा ये कवि पाठ कवि एक बर्णना कर हाँ पिला आज तुम कहि गांधी विषय गांधी थी सत्य अहिंसार पूजारी शांति देवदूत जाति जनक ये महापुरुष आज पार्थिव शरीर हि जगत ना कि आमर मानस पटे चीर उज्जीवित शांति बार्ता को आम प्रचार करने समाज में स्नेह सौहार्द्य आम स्थापन करने को चेष्टा करवा एक कथा हूँ कवि खीरन चंद्र पोथाणर मत से एक कथा भी चाहूंट ये समग्र भारत वर्ष शांति रहू समस्ते भल रुहतु आ शत्रु को कड़ा मुकाबला करूँ ठीक अच्छे पे आज ये रोज धन्यवाद।